जैसा कि दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दो T20 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं। पहला T20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से जीता, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना बेहतरीन तरीके से दूसरा T20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने जीता। दो T20 मुकाबले जीतने के बाद बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई है और तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के कोच और कप्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में अपनी स्क्वाड में काफी बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो यही को देखते हुए हमारे भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर, T20 के बेहतरीन विस्फोटक विश्व के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में भारतीय टीम की तरफ से क्या कुछ बदलाव किए हैं, कौन कौन से दिग्गज नए युवा बल्लेबाजों को टीम इंडिया में शामिल किया है, या यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल को शामिल किया है, या संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाया है, सब कुछ पूरी की पूरी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों जैसा कि भारत ने हमारे दो T20 मुकाबले लगातार जीते, उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मुकाबले खेले गए, उसमें भी हमारे भारतीय टीम ने जीत हासिल की। अब दो टेस्ट और दो T20 मुकाबले हारने के बाद बांग्लादेश की टीम है वो काफी ज्यादा बौखलाई हुई है और दोस्तों आप सभी को बता दें वो तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए हर एक पैंतरा आजमाएगी, क्योंकि 3 T20 सीरीज भारतीय टीम को जीतने नहीं देगी वो, लेकिन ये उसकी सोच है। मुझे पता है कि भारतीय टीम तीसरा T20 का मुकाबला पहले दूसरे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से जीतेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें प्लेइंग 11 के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेइंग 11 भारतीय टीम की वही रहेगी। जी हां दोस्तों, बल्लेबाजी करेंगे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग में, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे सूर्य कुमार यादव, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे नीतीश रेड्डी, जिन्होंने दूसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धोया। जी हां, चौथे नंबर पर नीतीश रेड्डी, तो पांचवें नंबर पर रिंकू सिंह आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, वही रिंकू सिंह जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नीतीश रेड्डी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें रिंकू सिंह वो तूफानी विस्फोटक शेर है, मानो कि अगर ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से भी तीसरे T20 मुकाबले में जम गए तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बांग्लादेश की टीम की कोई खैर नहीं, पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम ताश के पत्तों की तरह, कांच के टुकड़ों की तरह बिखर कर रह जाएगी। जी हां दोस्तों, नीतीश रेड्डी, रिंकू सिंह और छठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के आएंगे ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मयंक यादव, हर्षदीप सिंह और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जो पहले ही प्लेइंग 11 में थे वही प्लेइंग 11 में यहां पर तीसरे T20 मुकाबले में भी रहेंगे और ईश्वर से दुआएं कामनाएं बनाए रखे कि तीसरा T20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीते और हमें विश्वास है कि तीसरा T20 का मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीतेगी। क्रिकेट से जुड़ी हाईलाइट वीडियो, लाइव जानकारी, लाइव हाईलाइट आप लोगों को हमेशा इस चैनल में मिलती रहती है देखने को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। इस तरह से दुआएं कामनाएं बनाए रखिए कि हमारी भारतीय टीम जीते। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।